बिजली नहीं है तो इसका कारण बिहार सरकार को बताना होगा, क्योंकि देश में तो बिजली है। अगर और अलॉटमेंट चाहिए तो और अलॉटमेंट हम दे सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को राशि हमने दी है तो किसको दिया है? बिहार को दिया है। 99% बिजली कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। और चाहिए और दे देंगे। ये साहब ऐसे नेताओं से हम लोग का प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं और जात के नाम पर वोट मांगते हैं और जात के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही बिहार का, हम लोग भी बिहारी थे, हम लोग सब बिहार के। हम लोग का दुर्भाग्य यही कि हम लोग का जो भी हुआ, जो भी सरकारें आई, उसमें भ्रष्टाचार रुका नहीं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। एक बीच में जबकि नीतीश जी पहली बार आए थे तो लगा था कि हाँ साहब तो अब ईमानदार सरकार ये सुशासन रहेगा, लेकिन फिर वही तक पहला टर्न था, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल नीचे का ही नीचे ही पतन ही होता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बाकी विकास विधि व्यवस्था चरमराती गई और विकास का काम ठप होता गया। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम लोग को सिर्फ सुन लीजिए हम लोग को सिर्फ आत्मचिंतन करने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या यहाँ स्थिति है। किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं। यही है, आप बिजली मंत्री हैं और बिहार में बिजली के लिए गोली चलती है, ये बताइए। हम बिजली मंत्री तो भारत सरकार के हैं, भारत में बिजली की कमी नहीं है, है ना? आज ये हमारी स्थापित क्षमता है 421,000 मेगावाट। देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस समय पहली सूची बनी उस समय हमको जानकारी लगी कि आर और बिहिया उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने तुरंत इंक्लूड कर दिया आर और बिहिया को, तो इसके लिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवे ने बहुत काम किया है, बहुत सारे हमको नए ट्रेन दिए हैं, पुराने जितने प्रमुख ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दिया है। पहले भी आरा के स्टेशन का विकास काफ़ी हुआ है, पहले जो आरा का स्टेशन था और आज जो आरा का स्टेशन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये जो अमृत स्टेशन जो स्वीकृत हो गया तो इससे आरा का स्टेशन एकदम मॉडर्न आधुनिक स्टेशन हो जाएगा, जैसा होना भी चाहिए, क्योंकि आरा हमेशा केंद्र रहा है पूरे शाहबाद का, जिसमें कि सासाराम भी इंक्लूडेड है, बक्सर भी इंक्लूडेड है, तो उस सब का केंद्र बिंदु कैमूर बिल्कुल केंद्र बिंदु आरा ही था, और आरा एक सेंटर नेचुरल सेंटर भी है, तो वहाँ से भी आसपास के लोग आकर के गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। लोगों को पटना आकर के गाड़ियाँ पकड़ने के बजाय अगर वहीं से गाड़ियाँ पकड़ लेंगे तो ठीक होगा। हमारे तरफ के बहुत सारे लोग हैं झारखंड में, भोजपुरी स्पीकिंग बहुत सारे लोग, आरा सासाराम बक्सर छपरा के बहुत सारे लोग झारखंड में बसे हैं, बल्कि झारखंड की एक अच्छी आबादी है जो कि भोजपुरी स्पीकिंग। भोजपुरी लोग तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं गए, भोजपुरी लोग तो वेस्ट इंडीज ओवर सब में भी गए, तो उन सबको जा करके उनके जो संबंधी उन सबको पटना आकर के ट्रेन पकड़ना पड़ता था। प्रयास हमारा ये है कि वहाँ भोजपुर से भी ट्रेनें, एक ट्रेन तो चल रही है, एक और ट्रेन हमारा चले झारखंड की ओर, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाए। कुल मिलाकर के रेलवेज में, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई, कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार में एकदम बहुत बहुत वृद्धि हुई। हम लोग मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यही मोदी जी की सरकार का यही सपना है कि हम इंडिया को एक विकसित देश बना लें, डेवलप्ड कंट्री बना लें। तो पाँचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए हैं दुनिया में, हम लोग का ख्वाहिश है कि दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।